बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मैं हूँ, ये हमारा स्टूडियो है और यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। एक मासूम सी लड़की की 7 सेकंड की वीडियो ने पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरे दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, क्या अफगानिस्तान, क्या हिंदुस्तान, क्या उसके अलावा क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर तरफ से इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ वीडियो बनाई जा रही हैं। एक यहाँ रावलपिंडी के दोस्त की मैंने वीडियो देखी और मुझे वो बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि ये मैं हूँ, ये चार सुल्तान द खूह है और ये मेरी गाड़ी है, ये यहाँ पर ठीक हो रही है। और एक और दोस्त इस्लामाबाद से, उन्होंने यहाँ से, मेरा ख्याल है कि जिला कचहरी इस्लामाबाद से, उन्होंने ये इसको अपलोड किया। उनका कहना है कि ये मैं हूँ, ये हमारी कचहरी है और यहाँ वकालत हो रही है। यानी उस मासूम सी लड़की ने जो ये एक ट्रेंड दिया है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया को उसने एक नई खुशी दी है। क्या मायरा खान हो, क्या भारतीय अदाकार हो, क्या हमारे क्रिकेटर हसन अली हो, हसन अली साहब ने भी कहा कि ये मैं हूँ, ये हमारी क्रिकेट टीम है और हमने सीरीज जीती है और हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी तो नहीं वो पा रही, जिस तरह बच्ची ने बड़ी मासूमियत के साथ ये कहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और यहाँ हमारी पारी हो रही है। तो बिल्कुल बिलावल वाली जो उसने उर्दू बोली है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया और लोग पूरी दुनिया में इसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या तुर्की के अदाकार हैं, क्या उसके इंडिया के अदाकार हैं और उसके अलावा दूसरे भी कई ममालक के अदाकार हैं, वो इस मुख्तसर 7 सेकंड की वीडियो को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये एक किस्मत का खेल है कि इस मासूम बच्ची की ये 7 सेकंड की जो वीडियो वायरल हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ये बताने के लिए कि हम ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, यहाँ पार्टी हो रही है, उनको बताने के लिए ये अपलोड की होगी। लेकिन इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है और हर कोई बंदा, इवन के मैंने भी प्रोग्राम शुरू किया है तो मैंने भी यही कहा है कि ये मैं हूँ, ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसी तरीके से एक और पख्तूनख्वा के दोस्त ने अपनी एक वीडियो जो शेयर किया, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसका कहना है कि ये मैं हूँ और ये मेरी फूफो का घर है और यहाँ हमारी दावत हो रही है। अब मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा तक ये मुकम्मल तौर पे पार्टी वाला सिलसिला जो है, पार्टी वाला जो सिलसिला है, ये इसकी लपेट में रहेगा। और बिलावल की जो अंग्रेजी उर्दू है और इस मासूम बच्ची की जो अंग्रेजी उर्दू है, मुझे बिल्कुल बैलेंस नजर आई। दोनों एक तरह की ही उर्दू बोलते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिलावल भी बहुत अच्छे लगते हैं जब उर्दू और इंग्लिश का मिक्सचर करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी किसी दौर में इसी तरह थी। लेकिन इस बच्ची की जो वीडियो है वो बहुत वायरल हुई है। लेकिन नाज़रीन, आप ये भी देखें कि हमारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान थे, लेकिन उनको नुसरत फतेह अली खान बनने में एक वक्त लगा था। खुद उनका एक दफा इंटरव्यू आया कि वो जब बचपन में थे तो उनकी जबान जो थी वो ज्यादा क्लियर नहीं थी, फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह का करम होता गया और दुनिया फिर झूम उठी। फिर नुसरत फतेह अली खान के बगैर ना कवाली मुकम्मल थी, ना गजल मुकम्मल थी। इसी तरह हमारे एक और गुलकार हैं जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब, वो मियां वाली और जनूबी पंजाब में छोटे मोटे फंक्शन किया करते थे, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने उनको ऐसा नवाजा है कि फिर वो उन जैसा कोई गुलकार पाकिस्तान में, वो घर ऐसा नहीं है जहां पे अताउल्लाह ईसा खेलवी को ना सुना गया हो। फिर और भी देखें आप, हमारे अदाकार सुल्तान राय साहब, वो छोटे मोटे अदाकार वो जो है करेक्टर किया करते थे फिल्मों में, उनको वो कुछ स्टंट के करेक्टर दिया जाते थे। लेकिन फिर सुल्तान राय को मौला जट बनने में बड़े देर लगी। फिर जब वो मौला जट बने तो फिर पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सुल्तान राय के सर पे ही चलती रही। फिर जिस फिल्म में सुल्तान राय नहीं था तो उसने बिजनेस नहीं किया और वो हिट नहीं हुई और पूरा फिल्म इंडस्ट्री सुल्तान राय के गिर्द घूमती रही, हालांकि वो छोटे मोटे करेक्टर किया करते थे। तो ये परवरदिगार की देन है, अल्लाह पाक ने इस बच्ची को ये 7 सेकंड की वीडियो में वो कुछ दे दिया है जो मुल्क के, हमारे मुल्क के, जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के कई अदाकारों को कई सालों की मेहनत के बाद मिला है। तो पारी के हवाले से जो इस बच्ची की ये वीडियो है, उस पर मायरा खान ने डांस किया, उनकी साथी अदाकारों ने, अदाकाराओं ने डांस किया है। फिर और भी कई लोग हैं ऐसे जो सोशल मीडिया देखें तो इससे भरा पड़ा है कि इसके ऊपर एक सफाई वाले का है जो मैंने अभी देखा, उसका कहना है कि ये मैं हूँ और ये मेरी झाड़ू है और इधर सफाई हो रही है। बड़ी दिलचस्प मीम्स हैं, बड़ी दिलचस्प वीडियो हैं। और लगता यह है कि वैलेंटाइन डे तो चूंकि गुजर चुका है, लेकिन वैलेंटाइन डे इस दफा बिल्कुल खामोशी से गुजरा, लेकिन वैलेंटाइन डे गुजरने के एक हफ्ता बाद इस बच्ची ने पूरी दुनिया को एक नई खुशी, एक नई जेहत, एक नई सिमत जो दी है। इस पर अखबारात में भी बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े खबरें जो हैं वो शाया हो रही हैं कि ये 7 सेकंड की वीडियो ने तहलका बर्पा कर दिया है। तो नाजरीन,
तो ये मैं हूँ, ये हमारा स्टूडियो है और यहाँ पे ये हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। अल्लाह हाफिज़।